बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो कर्व दे रखा है वो एक कर्व पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई, इस इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। ये वो पैराबोला होता है, आपने 4 फार्म पढ़ी होंगी पैराबोला की, तो ये वो फार्म होती है जिसमें कर्व की एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, यानी एक्सिस और जिसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो ये पास होगा ओरिजिन से पास होगा और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। और एक्सिस का मतलब होता है कि दोनों साइड उस लाइन के एक ही जैसा होगा पैराबोला, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। और ये लाइन जो होती है वाई एक्सिस होती है, जिसका इक्वेशन हम जानते हैं एक्स बराबर 0 होता है, एक्स इक्वल टू 1 यानी यहाँ से 1 डिस्टेंस पर एक लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसमें सिर्फ एक्स होता है एक्स इक्वल टू 1 और 1 डिस्टेंस यूनिट पर डिस्टेंस होती है इसकी। ऐसे ही एक्स इक्वल टू 4 डिस्टेंस पर एक दूसरी लाइन है एक्स इक्वल टू 4, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट होगी। तो और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया चाहिए, यानी इनसे बाउंडेड एरिया पूछा गया, कर्व और ये लाइन और ये एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है, इस वाली लाइन के राइट हैंड साइड एरिया है और एक्स इक्वल टू 4 के लेफ्ट हैंड साइड एरिया है, और जो कर्व है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इसके नीचे का एरिया है। तो इस तरीके से इनका बाउंडेड एरिया हमको ये वाला फाइंड करना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को यानी लिमिट पता है, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लेना है, और इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, हमें वाई की ही ज़रूरत होगी एरिया फाइंड करने के लिए। तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एरिया का वाई डी एक्स होता है ये इंटीग्रेशन के लिए, और लिमिट एक्स इक्वल टू 1 से लेके 4 तक है, इसमें वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में रख देंगे जो इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड करेंगे। रूट एक्स रख दी हमने, इसके लिए हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1 जो हमें गिवन था, और एक्स की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हमें रूट हटाना पड़ेगा, उसकी रूट हटेगा तो पावर 1/2 आ जाएगी। इसमें इंटीग्रेट करने के लिए आपको मालूम ही है कि जो जितनी भी एक्स की पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और जो पावर होती है वही अपान में भी आता है, और इसकी जो लिमिट है वो 1 से 4 तक है, ये ऐड कर लेंगे। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1 को 1/1 कर दें, एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, यानी 1 का इधर इंटू हो जाएगा और 2 का वहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ये 3/2 होता है, तो इसको लिख देते हैं। तो ये चल रहा है रिक्वायर्ड एरिया के इक्वल, हम लोग लिख रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया के इक्वल ही चल रहा है, ये एक्स की पावर हो चुकी है 3/2, अपान में भी ये 3/2 हो गया, लिमिट 1 से 4 तक है, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 1 है, ये कांस्टेंट है 3/2, और ये डबल अपान में है 2, तो इसका ऊपर जाके इनटू हो जाएगा 3/2 में, ये इस लाइन के नीचे ही रहेगा, तो इसे बाहर ले लेते हैं, बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के, और जहाँ पर भी एक्स मिलेगा अपर लिमिट 4 रख देंगे उसकी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 रख देंगे उसकी पावर 3/2 रहेगी, जो भी पावर एक्स की वो एक्स की जगह पर हमने 4 रखा, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, एक्स की वैल्यू पहले 4 रखना है फिर 1 रखनी है, 2/3, और यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं, ये जो 2 लिखा है उससे तो आप स्क्वायर रूट में बदल दें, 4 की पावर सिर्फ 3 रह जाएगी, और 1 की पावर आप कितनी करेंगे 1 ही रहता है, और 2/3 और यहाँ पर 4 की पावर 3 है, तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, और इसमें से स्क्वायर रूट से 2 बार ये है बाहर आता है, यानी 4 बाहर रह जाएगा 2 में से एक बार, लेकिन ये वाला 4 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि 4 का रूट 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसमें 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, तो ये तो हो गया 8 हो गया, तो 2/3 8 माइनस का 1 हो गया, और ये बचेगा 7, तो 2/3 × 7 हो जाएगा, यानी ये इंटू करने पर 14/
3 हमारा ये आंसर आ गया, इतने यूनिट आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।